उत्तर प्रदेश जूनियर फुटबॉल प्रीमियम लीग पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 27 मार्च से प्रथम ट्रायल किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों के कुल 900 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आईपीएल की तर्ज पर इन खिलाड़ियों की नीलामी एवं बोली लगाकर टीम का गठन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 2 लाख का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। प्रदेश में पहली बार इस प्रतियोगिता के सभी मैच रात और दिन को खेला जाएगा तथा 8 मई को जनपद में नीलामी के अंतर्गत कुल 6 फ्रेंचाइजी एवं टीम का गठन किया जाएगा। नीलामी द्वारा प्राप्त संपूर्ण धनराशि एवं आर्थिक सहायता खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा। चुने गए सभी खिलाड़ी टीम के गठन के उपरांत अपने अपने प्रतिनिधित्व संस्था के लिए खेलेंगे। इस अवसर पर पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक अजीत मणि त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष ईश्वर जयसवाल, सरस्वती आईएएस कोचिंग के डायरेक्टर राकेश सरस्वत सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भजन सम्राट नंदू मिश्रा, जिलाध्यक्ष ईश्वर चंद्र जायसवाल तथा नेशनल क्रिकेट खिलाड़ी के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र गुप्ता ने कहा, हम भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और पार्वती वेलफेयर सोसाइटी ने इतना सुंदर कार्य अपने हाथ में लिया है। गांव-गांव से जितने भी खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, गरीब बच्चे, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का कार्य शुरू किया है। 27 मार्च को गोरखपुर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में यहां ट्रायल होगा और उसके संलग्न लगभग 75 जिलों में ट्रायल का कार्य चलेगा। वहाँ से चुन के जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, उन बच्चों को चुनकर, लगभग 90 बच्चों को चुनकर फिर यहाँ इकट्ठा करेंगे और फिर उनकी, जैसे 6 लोगों को फ्रेंचाइजी दिया गया है, उनकी नीलामी होगी एकदम आईपीएल की तर्ज पे, जिससे बच्चों को उत्साह भी मिले और उनको धन भी मिले कुछ, जिससे आगे बढ़ने की उनको ये विश्वास हो कि हमको आगे बढ़ने के लिए कुछ धन भी मिल रहा है और शिक्षा भी मिल रही है। क्योंकि लोग पहले कहते थे इस बात को कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, मैं इसको नहीं मानता हूँ। पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, ये सत्य है, लेकिन खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये हम नहीं मानते हैं। खेल से शारीरिक विकास तो होता ही है, बौद्धिक विकास भी होता है शारीरिक विकास के साथ साथ। तो इस संस्था ने ये बीड़ा उठाया है कि गांव-गांव से हम चुन के लाएंगे उन अच्छे बच्चों को, जो कि जिनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उस प्लेटफॉर्म के लिए ये कार्य शुरू हो रहा है पार्वती सेवा संस्थान की तरफ से, पार्वती वेलफेयर से। और ये हमारे अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता जी ने ये बीड़ा उठाया है कि इसको हम लोग जिला स्तर से लेकर फिर राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे और फिर इंटरनेशनल तक जाएंगे। इसको अभी प्रारंभ किया जा रहा है, जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही है ये, और ये इसकी और डे नाइट दोनों चलेगा इसका मैच। और हमारा विश्वास है कि गोरखपुर की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता खूब इसे सराहेगी और देखेगी और इससे बहुत भला होगा खिलाड़ियों का, कि उनके माता पिता भी उत्साहित होंगे कि मेरे बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी फोकस भी होता सबका, लेकिन फुटबॉल जो कि एक पूरे फील्ड में ऊपर से नीचे तक बच्चा दौड़ता है, खिलाड़ी दौड़ता है, कितनी मेहनत लगती है, उस मेहनत को, उस पसीने को, एक उसका स्थान, उसको अच्छा आयाम दिलाने के लिए ये संस्था तत्पर है। और यही कारण है कि ये जो 27 मार्च को भी ट्रायल होने वाला है रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में, उसके बाद 75 जिलों में जाएंगे, हमारे जो चयन समिति होगी वो जाके चयन करेंगे और सारे जगहों से मिलाकर 90 बच्चों का चयन किया जाएगा फाइनली, और इसके बाद फिर मैच होगा मई में। ये पार्वती वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हो रहा है, जो हमारे ग्रामीण स्तर के जो है बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, इसी तत्वाधान के काम हो गए हैं। कितने टीमें हिस्सा ले रहे हैं जी? यहाँ के करीब करीब हर जिले के लोगों को हिस्सा लेने की भागीदारी दी जाएगी। लोकल भी? हाँ, लोकल ही स्तर पर चलेगा ना। लोकल स्तर पर जो बच्चे हैं जो एक प्लेटफॉर्म नहीं पाए हैं, उनको ट्रायल लेके सब बच्चे को आगे बढ़ाया जाएगा। कौन भाग ले रहा है इसमें, कौन कौन? अभी टीमें जब सेलेक्ट करेंगी तो उसके बाद मालूम होगा कि सब कौन कौन भाग ले रहा है। ये 27 से स्टार्ट हो जाएगा, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा।
जी, ये पार्वती वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश फुटबॉल जूनियर प्रीमियर लीग हो रहा है, जो कि आप उत्तर प्रदेश में पहली बार देखेंगे किसी भी गेम का आज तक इस तरह के आईपीएल के तर्ज पर कराया जाएगा, किसी गेम का आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। इसमें देखा गया कि एक स्पोर्ट आपका रहा, 3 साल कोविड ले गया, खिलाड़ियों के लिए क्या चाहिए होता है, खिलाड़ियों के लिए मैच चाहिए होता, अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए होता जो आगे बढ़ सके। ये पहली बार ऐसा देखा गया जहाँ खिलाड़ियों के साथ साथ खेल के साथ साथ कुछ उनको आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। इसमें क्या नीलामी रखा गया है पार्वती वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, जो ये 6 फ्रेंचाइजी होंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारे कोऑर्डिनेटर द्वारा इसका चयन किया जाएगा। लगभग 20 से 25 हज़ार खिलाड़ी जो भी स्कूल और अदरवाइज लेके मतलब ट्रायल पे आएंगे, जिसमें 90 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। 90 खिलाड़ी चयन होने के बाद 8 मई को इसकी नीलामी होगी गोरखपुर में, जो कि 22 मई को भव्य ओपनिंग समारोह होगा, 27 मार्च को पहला ट्रायल गोरखपुर में होगा, उसके बाद पूरे अप्रैल हमारा उत्तर प्रदेश में ट्रायल चलेंगे, डेट वाइज चलते रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि गरीब खिलाड़ी, एक क्रिकेटर तो सब कुछ रहा है, सब खेलता है, पैसा लगता है, लेकिन ये 250 का गेम है नेकर टी शर्ट के सहारे, ताकि हर एक बच्चा खेल सकता है, हर एक गरीब फैमिली का लड़का खेलने की जो इच्छुक रखता हो, एक इंडिया सपना होता है खेलने का, वो खेलेगा। इसलिए इस मुद्दे को उठाया गया कि इस फुटबॉल के लिए, जो फुटबॉल के जितने खिलाड़ी पाएंगे उत्तर प्रदेश में, हमको नहीं लगता कि किसी गेम के और पाएंगे, क्योंकि हर घर में हर गाँव में खेला जाता है खिलाड़ी, क्योंकि सुविधा बहुत अधिक, इसमें पैसा नहीं है, इसकी वजह से इसको आगे किया गया कि ताकि हर एक बच्चा खेल सके, जो जो इंडिया का सपना रखता हो खेलने के लिए, वो खेले। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे सहयोग हमारे जो भी संरक्षक सभी लोग हैं, एच ओ संजय जायसवाल जी जो जिला अध्यक्ष पार्वती वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर, और संरक्षक माननीय श्री भजन सम्राट मधु मिश्रा जी और राकेश सारस्वत जी, सभी लोग आशीर्वाद है, अजित मणि त्रिपाठी जी से लेके अंजू चौधरी जी, अमिता गुप्ता जी, बहुत ऐसे लोग जो हमारे संरक्षक हैं गोरखपुर में, सभी लोग, अजित मणि त्रिपाठी जी से लेके सब लोग, सबका योगदान इस टूर्नामेंट में, और भी लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आप ये पहली बार देखेंगे इतना बड़े, अभी इतिहास होगा, एक पहली बार इस इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि एक नीलामी की जाएगी खिलाड़ियों, फुटबॉल खिलाड़ियों को। कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? 6 फ्रेंचाइजी होंगे इसमें, 6 फ्रेंचाइजी में 4 फ्रेंचाइजी हमारे हो गए, 2 पे बात चल रही है, कोशिश होगा कि 8 हो, लेकिन अभी तक का 6 फ्रेंचाइजी करने का है। और ये खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के सभी जगह के जो ट्रायल देंगे, वो चयन करके जो नीलामी की जाएगी, वो 90 खिलाड़ी जो सिलेक्टेड होंगे उनकी नीलामी होगी, 6 फ्रेंचाइजी खरीदे जाएंगे जी। ट्रायल इसका 27 मार्च स्टार्ट होगा गोरखपुर से, शुभारंभ 22 मई को गोरखपुर में होगा, सेंट्रल डिग्री कॉलेज में।